हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं फातिमा रिज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। गाइस, मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही, 3 दिन का अल्टीमेटम है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इतनी बारिश हो रही है कि जिसका कहना नहीं है। सो दिखाता हूँ कितनी बारिश हो रही है। ये देखो, कंटिन्यू बारिश चालू है। सो अभी सुबह से जो है आयन अरहन को लेने के लिए मैं जितनी बार गया हूँ मुझे गाड़ी से ही जाना पड़ा है और इतनी तकलीफ होती है ना यार, जिसका कहना नहीं है। बारिश में गीला होना ही होना होता है, थोड़ा उतरो उतारो छोड़ो बैठाओ। सो अभी अरहान को वापस जा रहा हूँ, टाइम हो गया है, सिर्फ 2 मिनट बचा है उसका जो है स्कूल का एंड होने के लिए, छुट्टी होने वाली अभी। सो अभी जा रहा हूँ, उसे लेकर के आता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अभी तक 2 वीडियो जा चुका है, बट जिस तरह का व्यू आना चाहिए था, लाइक कमेंट शेयर आना चाहिए था, नहीं आया है। एटलीस्ट मास्टर शेफ पे तो थोड़े कमेंट थोड़े व्यूज तो आ गए, बट कल का वीडियो जो गया है उसमें नहीं आया है। सो गाइज, आप लोग वीडियो देखो, और नहीं देखना है तो प्ले करके रख दो ना यार, सब्सक्राइब तो कर चुके हो तो एटलीस्ट वो कर लो। सो दिखाता हूँ, फातिमा भी देख लो किचन में क्या कर रही है। आय हाय, इस बारिश में आप लोगों को पता है ना लोगों को क्या खाने का मन करता है, वो काम कर रही है। दिखाता हूँ, ये देख लो भजिया बना रही है। मैडम कुछ बोलना चाहोगी? हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो लोग? अच्छे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। और ये क्या बना रहे हो? भजिया? हाँ, भजिया का सालन बनाने वाली हूँ मैं। भजिया का सालन बनाने वाली, इसलिए ये थोड़ा भजिया भी इस तरह का, और ये अलग सा भजिया, यानी कि डीप फ्राई वाली नहीं है ना? हाँ, ये डीप फ्राई वाली, डीप फ्राई वाली नहीं है, जिससे कि ये बहुत अच्छा लगता है ये भी खाने में। तेल लगता नहीं है, कम रहता है तेल, कम लगता है। फातिमा आजकल मोटी हो रही है ना, इसीलिए तेल कम यूज कर रही है। मैडम मैं भी हो रहा हूँ डेफिनेटली। गाइस देख लो मेरा पेट, और बारिश का तो यार गजब बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश। चलो मैं अरहान को लेकर के आता हूँ, उसके बाद आज शाम को हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, उस कौन सा रिएक्शन तुमको लाफिंग वाला है कि हॉरर वीडियो है कि शॉक वीडियो है? कौन सा होगा बाबा? होगा, उसको डाउनलोड करने में कितना वक्त लगता है? अच्छा, क्या बात कर रही है? फिर? अंदर कुछ था क्या? छाले आए हुए थे? अच्छा सॉरी, मैं तो प्यार करने गया था, मुझे क्या मालूम। ये गाल तो छू लेने दो, ये गाल छू लेने दो। गाइस बवाल हो गया, अब मुझे भाग लेना पड़ेगा यहाँ पे से। चलो भाग लेता हूँ। सो गाइस, मैं आता हूँ अरहान को लेकर के, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं, अरहान से भी मिला लेते हैं। बैठते हैं गाड़ी में, अरहान को लेते हैं। जबरदस्त बारिश हो रही, अगर बहुत प्यारा हो जाता है ये झाड़ वगैरह, इतना खूबसूरत हो जाता है ना कि अच्छा दिखता है। तो चलो फिर अरहान के पास मिलते हैं, उसे हाय हेलो करते हैं, उसे लेते हैं, फिर आते हैं। चलो देख लो, अरहान आ गया है। अरहान इधर देखो, बाबू इधर तो देख लो एक बार। बहुत इतराता, बहुत ये लड़का इतराता है गाइस। ये देखो, हाय तो कर दो बेटा, गंदी बात, हाय तो। मस्तीखोर बच्चा, और कुछ बोलोगे? बारिश बहुत हो रही है ना? हाँ, बहुत हो रही है, लेकिन मेरे को खाना खाना है। भूख लगी है बेटे को? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो लंच बॉक्स खाए ना बेटा? नहीं खाए। क्या बात कर रहा है, तो लंच बॉक्स पूरा फिनिश किया कि नहीं? नहीं। झूठे हो, झूठे एक नंबर के झूठे हो। अच्छा, वो मैंने आपको दे दिया था प्रोजेक्ट बुक, और वो मिला ना? मिला। क्या कराई टीचर ने, कुछ कराई? अरे प्रोजेक्ट बुक पे घर में करना है, तो मेरे को दो, मैं व्लॉगिंग करता। पक्का? हाँ। ये लो। क्या करना बोलो, क्या बताना? आज मैं घर पे जाके अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ओके। तो फिर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कल दिखाऊंगा। बारिश अभी बहुत ज्यादा हो रही, ट्यूशन के टाइम भी बारिश होगी, आप क्या कर रहे हो? छेड़छाड़ नहीं करना कुछ भी। नो, अरे नहीं करते वो, नो बदतमीज। यहाँ एसी देख रहे हो, 28, 29, 30 हो गया डफर।
भाई इस पे रहने दो, तुम्हारे यही छेड़छाड़ से ये लड़का बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है गाइज ये बच्चा। अरहान को लेकर के घर पे आ गए गाइज, और एक एक नंगा पंगा आदमी को दिखाता हूँ। ये इधर एक नंगा पंगा आदमी है जो मम्मा के पीछे छिपा पड़ा है। ये देखो आते के साथ में ये लगेगा, चोट लगेगा। अच्छा नहीं दिखा रहे यार, बारिश तो कम हुई, होने ही होने का नाम ले रहा है। उस टाइम का जो भजिया आप लोगों को दिखा रहा था ना, ये देखो सेकने के बाद इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का ऐसा हो जाता है, मतलब हाँ इस तरह का हो जाता है, इस टाइप मतलब एकदम करंची। उधर गैस चालू है, उधर गैस चालू, इधर तवा में चटका लग गया। अल्लाह, तो तुम कहते अंदर कौन बोला था घुसने के लिए? अच्छी चीज दिखाने के लिए अंदर कहीं तक घुसना पड़ता है। हाँ। भजिए के तवा में घुस गया। आयो ये है, अभी एक ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं मैं गरम निकलेगा तो ये तो ठंडा हो रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, गरम दो, गरम गरम। बेटा मत खाओ ठंडा मैगी, भाई वो खाओ ना पराठा। क्यों ठंडा मैगी खा रहे हो फिर? जहाँ भेजते हैं खाने के लिए वहाँ का तो खाते नहीं हो। स्कूल में क्यों नहीं खाया बेटा? स्कूल में क्यों नहीं खाया तुमने? पेट भर गया था। पेट भर गया था इतना खाते खाते। अभी ये मत खाओ, चलो पराठा खा लो अच्छा सा मस्त, भजिया के साथ अच्छा लगेगा। ये प्रोजेक्ट का सामान ना मैंने सुबह ही जब टिफिन देने गया था ना तभी ले लिया था, समझे? हाँ फिर भी बोलोगे डैडी एक्टिव ही नहीं हो, भूलते रहते हो। कितनी बार बोलते हो? भूलते रहते हो। याद करके मैंने ले लिया ना, तो जिस वक्त जो चीज याद आता है आ जाता है, वही ना, जिस वक्त जो चीज याद आता है तो आ जाता, वरना याद नहीं आता वो गया। हाँ तो ये चीज इम्पोर्टेंट था तो याद आ गया, इम्पोर्टेंट चीज को मैं याद रखता हूँ। बेटे का पासपोर्ट बनाना, वो याद आ रहा है? अबे एक साल से तुमको बोला जा रहा है उसका पासपोर्ट का, अप्लाई करो अप्लाई करो, ये चीज याद आ रहा है? ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम लोग माँ बेटे को, अबे छोली नहीं दिखा के कौन बात करता है? अगले हफ्ते क्या बोला था? मैं मंडे को जाऊंगा, मंडे को कर लूंगा। मंडे आके गया, कैसी अल्लाह की बंदी है, मेरे को समझ में नहीं आता। गाइस ये इस तरह का जो बारिश हो रहा है, इस बारिश में मैं कहाँ किधर जाऊँ अभी? तुम लोग को पासपोर्ट बनाने का इतना घाई है, तुम मेरे को और तुम्हारे बेटे को दोनों को नागालैंड सबसे पहले भेज दूंगा मैं। वही ना, गाड़ी का क्या? हाँ मेरा बाप गाड़ी है, मगर बारिश के वजह से गीला हो जाऊंगा, डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग माँ बेटे को ही सबसे पहले जो है ना भेजूंगा नागालैंड। बेटे को नागालैंड पहुंच जाना, माँ बेटे को नागालैंड भेज दूंगा, नागालैंड, समझा? एक चीज बोल के ना, आपके वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं आने वाले। बेइज्जती कर दिया मेरा। मेरे बोलने से भी क्या होता है? तू कुछ बोलेगा, तू कुछ बोलेगा क्या? लोग तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? एक साल से तो इतना बोल रहा हूँ, एक दो चीज बोल दिया मैंने, अब ये लोग नहीं कर रहे और फिर ऊपर कर देते। हाँ पता नहीं क्यों अपने लोग का मजा ही नहीं आता है। चलो आप नाश्ता कर लो। गाइस ये देखो डैडी मेरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अरे यहाँ एक बकलोला है, कान में फूल, खान में फूल डाल करके सबको दिखा दो। एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग के बाद हो गया है खाने का वक्त, चलो मैं खाना खाने के लिए देखता हूँ फातिमा ने क्या खाना आज बनाई है। कुछ बेटे का प्रोजेक्ट बना रहे, बहुत टाइम के बाद वापस शुरू हुआ ये सब चीज। कैलेंडर बना रहे, अच्छा बना रहे, अभी और बाकी है काम। अपने टाइम में कभी बनाए थे क्या? नहीं ना, पहले के व्लॉग में लोगों ने देखा हुआ, मैं ही बनाता हूँ, तुमने किसके यहाँ पे? तो ये तो नहीं हुआ कि कौन बनाता कौन नहीं बनाता है, तुमको कितना अपना ये है ना अपने दिखलाने का, वही ना। मैंने सवाल क्या किया, तुम जवाब क्या दे रहे हो? हाँ तो बस ये जवाब देने चाहिए था, मैं ही बनाता हूँ तुम नहीं बनाते हो। ऐसे कौन लड़ता है एकदम, सवाल ही ऐसा, जवाब ही ऐसा किया तुमने तो, कि आने से पहले बन जा रहा, वरना वो आ जाएगा तो बनाने भी नहीं देगा वो। अरहान ट्यूशन अभी किया हुआ है, पानी के इतने बूंदे गिर रहे, इतने मोटे मोटे बर्फ का गोला गिर रहा है जैसे कि। आजकल 3D हर चीज चल रहा है। अच्छा इसीलिए बारिश के बूंदे बादल सब 3D में दिखना चाहिए। सही है, देखो कैसा दिख रहा है, एक्चुअल कैमरा में दिख रहा है कैसा है। हाँ यार अच्छा दिख रहा है, उसी टाइम तुमको रोशनी छेकना होता है। अपनी दही को इकट्ठी बोलता है क्या? अम्मी दो मांगते बोलते, दो मांगते, अम्मी का भी एक चीज पे भी ध्यान है,
वो एक चीज देखने के बाद उसके लिए भी दुआ पड़ेंगे, उसके लिए भी दुआ मांग रही है। लो पकड़ो, मैं और बना लेता हूँ यार। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। नहीं पूछो, जब तुम बनाते हो प्रोजेक्ट तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि क्या करना है, कैसा कलर करना है? तुम बनाते हो, तुमको पता है। मैं थोड़ी बनाते जो मुझे पता रहेगा। मेरे से पूछ पूछ के क्यों कर रहे हो सर, कौन सा कलर करूँ कौन सा कलर नहीं करूँ? सबको पता है कि मैं तुमसे राय मशवरा करके प्रोजेक्ट काम करता हूं। नहीं लेकिन क्रेडिट तो तुम अपना लेते हो ना पूरा। तो क्या खा रहे? चल निकल। संडे तो रेड हुआ समझ में आ रहा है, मंडे अलग ट्यूजडे अलग, तो इसका सबसे एक ही कलर करने चाहिए ना, मंडे टू फ्राइडे। नहीं, सात अलग अलग कलर करूंगा। सो गाइस ये देख लो, अरहान का जो है प्रोजेक्ट बुक रेडी हो गया है। और ये देख लो, ये है उसके ही हैंड राइटिंग में मैंने कल ही कलर फिल अप कर दिया, तो उसको चाहिए था। चल बंद कर दो। सो गाइस अभी जा रहा हूँ अरहान को ट्यूशन से लाने के लिए, 6:30 बज गया, लेकर आता हूँ। देख लो गाइस सुबह से जो बारिश हो रही है तो हो रही है, आज सुबह से बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कंटिन्यू बारिश है। मुंबई में अभी ऐसे भी जो है ना होने वाला, इस मंथ में पूरी बारिश होगी। देखो मेरा स्कूटी से जितना काम जल्दी हो जाता है, स्कूटी से क्या होता है 2 मिनट में मुझे यहाँ से वहाँ जाने को लगता है, कार में मेरा लेकर आने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। और वो भी कैसा है, मॉर्निंग में पहले ड्रॉप करो, फिर उसके बाद लंच पहुँचाने के लिए जाओ, फिर वापस उसको 1 बजे पिकअप करने जाओ, फिर 4 बजे ट्यूशन छोड़ने जाओ, फिर वापस अभी पिकअप करने जाओ, तो ऐसा करके पूरे 10 बार चक्कर लग जाते हैं आना जाना। तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो है उसे लेते हैं। ऑलमोस्ट 7:15 हो गया, 6:30 बजे का टाइमिंग था। तो शाम ही नहीं होती है। सो गाइस चाय हमारा आ गया है, अरहान को लेके आ गए। थोड़ा थोड़ा फिर भी आदमी गीला हो ही जाता, गाड़ी से बाहर निकलो, बैग लो और उसको बैठाओ। तो देख हमारा चाय आ गया शाम का, शाम के बज गए 7:30। चाय, भजिया, ग्रीन चटनी और बाहर की बारिश। ये आर ओ आ रहा है। अरे बाप रे गाइस, ये बच्चे को लेके जाओ, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ। अरे बाप रे बाप, बहुत ताकत हो गया, ये बच्चे को लेके जाओ गाइस। सो गाइस कल का ब्लॉग हम लोग ने एंड नहीं किया था क्योंकि फिर शाम हो गया था और ऐसे ही भूल गए हम लोग, एक्चुअली भूलने की आदत है, तो हम लोग ने वही भूल गए थे। अरहान रेडी हो गया बाहर जाने के लिए। हाँ तो गाइस ये था हमारा ब्लॉग आज का, यहाँ पे ही ये ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। चलिए बाय। I don't wanna fight you.